अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज हम बनाते हैं एक बहुत ही चटपटा सा कैरी का मुरब्बा। कैरी का सीज़न जो है वो जल्द ही जाने वाला है, उससे पहले हम तैयार कर लेते हैं एक चटपटे मुरब्बे की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ स्टार्ट करते हैं डिटेल रेसिपी। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर लीजिए। यहाँ पर 1 किलो कैरी ले लेंगे हम, जिसे धोकर सुखाकर उसका जो पील है वो निकाल देंगे एंड इस कदर स्लाइसिस में कट कर लेंगे। देन यहाँ पे मैंने इसे ऐड कर लिया था पानी में एंड इसे हम बॉईल कर लेंगे अच्छी तरीके से, जब तक कि जो कैरी है वो सॉफ्ट नहीं हो जाती। कुछ देर बॉईल करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कैरी है वो सॉफ्ट हो चुकी है, यानी पूरी तरीके से डन हो चुकी है। इसे हम स्ट्रेन आउट कर लेंगे एंड ये गरम गरम कैरी पे हम ऐड कर लेंगे 1 kg ऑफ शुगर। शुगर ऑटोमेटिकली इसमें मेल्ट हो जाएगा, इसे ढक के हम रख देंगे। कुछ देर बाद यहाँ पे मैंने लिड हटाया था तो आप देख सकते हैं शुगर जो है वो काफ़ी हद तक के मेल्ट हो चुका है। इसे हम प्लेस कर लेंगे गैस पे। यहाँ पे ऐड कर लिया था मैंने 1 सिनेमन स्टिक, 2 स्मॉल इलायची। थोड़ी देर स्टर करने के बाद एक बॉईल आ जाएगा, उसके बाद हम मसाले ऐड कर लेंगे। 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1 TSP सौंफ, 1 TSP सॉल्ट, 1 TSP कलौंजी, 2 से 3 ड्रॉप यहाँ पर मैंने येलो कलर के ऐड कर लिए थे, 1 TSP ब्लैक सॉल्ट ऐड कर लिया था, 2 to 3 tablespoons ऑफ चार मगज एंड लास्टली मैंने इसमें ऐड कर लिया था 1 lemon। अच्छी तरीके से हम इसे कुक कर लेंगे एंड इसे ढक कर हम रख देंगे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। अगर ये मुरब्बा रूम टेम्परेचर पे आ जाए देन हम इसे कांच की बॉटल में प्लेस करके लगभग 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। बहुत ही चटपटा सा कैरी का मुरब्बा हो गया था तैयार। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, नीचे मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।